नमस्कार दोस्तों, आप सभी का होम रेसिपी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक लाजवाब नाश्ता, इसे आप व्रत की खिचड़ी या उपमा भी कह सकते हो। इसे बना के व्रत में खाइए, या फिर कभी आपका मन करे कुछ अलग नाश्ता बनाने का तो इसे बना के आप खा सकते हो। तो फिर चले फटाफट नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आधा कप समा के चावल, इसे व्रत के चावल भी कहते हैं, यह आपको मार्केट में आसानी से मिलेंगे। यह थोड़ी सी मूंगफली ली है और एक कच्चे आलू को ऐसे क्यूब्स में काट कर लिया है, और इन्हीं के साथ साथ तीन हरी मिर्ची को काट के लिया है, थोड़ा धनिया पत्ता और एक चम्मच जीरा, स्वादानुसार सेंधा नमक। तो फिर चले दोस्तों बनाना शुरू करें। तो यहाँ पर हम पैन में लगभग 2 चम्मच तेल डाल देते हैं, और तेल गर्म होने के बाद जीरा डालते हैं। जैसे ही जीरा चटक जाए हरी मिर्ची को डाल देंगे और इसे थोड़ा भून कर लेंगे। मिर्ची आप कम ज़्यादा आपके हिसाब से डालिए। अभी डालते हैं कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता व्रत में नहीं खाते, आप अगर इसे व्रत के नाश्ते में बना रहे हो तो कड़ी पत्ता स्किप करें। अब डाल देंगे समक के चावल को। इस चावल को हम 1 मिनट भून लेते हैं। ये देखो, चावल को हमने हल्का सा भून लिया है। अभी इसमें डालते हैं लगभग 1.5 कप पानी। अब नमक डाल देंगे, यह मैंने सेंधा नमक डाला है। अब इसमें थोड़ा चम्मच चला लेते हैं, और उसके बाद इसे ढककर मीडियम आंच पर 8 से 10 मिनट पका लेते हैं। तब तक हम इसे दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट करके फ्राई पैन में तेल डाल देंगे, और तेल गर्म होने के बाद इसमें आलू के क्यूब्स डाल के इसे हम फ्राई करके लेते हैं, यानी कि आलू थोड़े नरम और क्रिस्पी होने तक फ्राई करके लेंगे। ये देखो, हमारे आलू अच्छे से फ्राई हुए हैं। अब इसको हम निकाल कर लेते हैं। अभी हम इसमें मूंगफली के दाने डाल देंगे, और इसमें चम्मच चलाते हुए मूंगफली को रोस्ट करके लेंगे। ये देखिए, मूंगफली अच्छी तरह रोस्ट हो गई है और इसमें से खुशबू आने लगी है, यानी कि अभी हमें इसे निकाल के लेना होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे चावल पके हैं कि नहीं। हमारे चावल अच्छे से पक चुके हैं। अभी इसमें फ्राई किए हुए आलू और मूंगफली को डाल देंगे, और धनिया पत्ता को भी डालते हैं। अभी हम इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। तो दोस्तों, इसे आप गर्मा गर्म और इसके ऊपर थोड़ा घी डाल के खाएंगे तो यह खाने में लाजवाब लगेंगे। ये देखो, हमारा नाश्ता बनके तैयार है। इसे आप दही या व्रत की कोई भी चटनी के साथ खा सकते हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।